सेकंड के अंदर सॉल्व करना है, तो उसको लिखना शुरू करो वहाँ पे, ठीक है। तो बैट में तुमने लिखा कि वर्ड आया, फादर आया, टेबल आया, मदर आया, नेशन आया, कुछ भी आया, लिखना शुरू करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा स्पीड ऑफ राइटिंग बढ़ता जाएगा। और फंडा सिंपल है, साइकोलॉजी में अगर तुमने बैट छोड़ दिया तो भूल जाओ, क्योंकि रियल लाइफ सिनेरियो में अगर तुम्हारे पास ऐसी सिचुएशन आया कि तुम्हें कोई डिफिकल्ट टास्क आया, अगर तुमने बैट में कोई छोड़ दिया, तो एज एन असेसर मैं यही सोचूंगा कि जब इसके सामने रियल लाइफ में सिचुएशन आएगी तो ये उसको छोड़ देगा, उस टाइम ये कॉक हो जाएगा कि अब मैं क्या करूँ, है ना। तो तुम्हें कोई भी वर्ड छोड़ना नहीं है। उसके बाद बैट हो गया, SRT अगेन सेम, SRT में 60 है, 60 में तुम्हें अगर तुम 60 नहीं भी कर पा रहे, इट्स ओके फाइन, लेकिन जो तुम कर रहे हो सीक्वेंस में करते जाओ। इन एनी केस तुम कम से कम 30 से 40 के बीच में कर ही लोगे आराम से, अगर एक मिनट में भी एक सॉल्यूशन करते हो तो 30 से 40 तक पहुंचोगे। आइडियली कोई भी बंदा 45 तक पहुंच जाता है, 45 क्वेश्चंस तक, एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं चाहिए बीच में, एंड द क्वालिटी ऑफ आंसर शुड बी गुड। आंसर्स की क्वालिटी कैसे होगी, जब तुम खुद को सिचुएशन में अपने आप को रखोगे कि अगर मेरे साथ रियल लाइफ में ऐसा होगा तब मैं क्या करूंगा, और वो तुम्हारा नेचुरल आंसर होगा, क्योंकि वो क्रॉस चेक हो जाएगा तुम्हारा इंटरव्यू के साथ। इंटरव्यूअर हो सकता है तुम्हें SRT के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन वहाँ पे दे दें इंटरव्यू के दौरान, और तुमसे पूछे अच्छा अब आप क्या करेंगे इसमें, और अगर तुमने वहाँ कुछ और आंसर दिया और तुमने SRT में तुमने सेम सिचुएशन के लिए कुछ और आंसर लिखा है, तो कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन है ना, थोड़ा बहुत आसपास चलेगा, लेकिन अगर एकदम ही तुमने उल्टा आंसर लिख दिया तो बोलेगा यार इस लड़के का माइंड वहाँ पे कुछ और है, रियल लाइफ में से पूछ रहा हूँ, तो जब मैं प्रेशर देकर इसको कुछ पूछना तो अलग है। तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट ये साइकोलॉजी के ऊपर फोकस करो। नॉर्मली जो बच्चे आउट होते हैं साइकोलॉजी में ही आउट होते, एक बुक है माय अपॉइंटमेंट विद अ साइकोलॉजिस्ट, उसको डाउनलोड करना, 2 MB की फाइल है, गूगल से डाउनलोड हो जाएगी, नहीं होती तो मुझे बताना, मैं उसका प्रिंटेबल वर्जन तुम्हें दे दूंगा, वो गूगल पे प्रिंटेबल वर्जन में लैपटॉप पे रखा हुआ तुम्हें भेज दूंगा, सर को दे दूंगा, सर तुम सबको दे दूंगा, एक प्रिंट आउट, उसको जहाँ से टैग शुरू होता है उसमें लगभग शुरुआत की 40 पन्ने काउंट में, जहाँ से टैग शुरू होता है वहाँ से पढ़ना शुरू करो कि क्या लिखा है, स्टोरी कैसे बनानी है। उपकार की बुक में या अरिहंत की बुक में दिया होता है, एक सेट स्टोरी दे दी होती है, उसका आंसर लिखा होता है, बट इसमें क्या है, इसमें वो बताता है तुम्हें कि स्टोरी में एक्चुअली चाहिए क्या, एज एन एसेसर मैं क्या देखना चाहता हूँ। चार चीज़ें होती हैं, एक होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हीरो, पिक्चर का हीरो कौन है, दूसरा होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिचुएशन, सिचुएशन में क्या चलता है, तीसरा होता है मैनेजमेंट ऑफ सिचुएशन, और चौथी कैटेगरी होती है आउटकम। ये चार कैटेगरीज के अंदर ही तुम्हें अपना आंसर लिख देना है। अब इन सबको मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि इनको पता ही नहीं था, तुमने जो केसेस भी दिया है 10 लाइन के अंदर तुम्हारा आंसर खत्म हो जाना चाहिए, सिर्फ 10 लाइन। फर्स्ट 2 लाइन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ हीरो, कोई भी नाम दे दो, जुबैर इज फाइनल ईयर ऑफ बीटेक एंड डूइंग बीटेक फ्रॉम दिस कॉलेज, 2 लाइन में खत्म हो गया। अगले 3 लाइन में सिचुएशन दो की पिक्चर में चल के आ रहा है, 3 लाइन, 2 लाइन में इंट्रोडक्शन, अगले 3 लाइन में उसका सिचुएशन होगा कि क्या चल रहा है, अगले 3 लाइन में उस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए उसने क्या किया, और लास्ट के 2 लाइन में उसका आउटकम क्या हुआ, उसने क्या किया और उसका आउटकम क्या हुआ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हीरो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिचुएशन, मैनेजमेंट ऑफ सिचुएशन एंड लास्ट में आउटकम। 10 लाइन में तुम्हारा खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे शीट में आधी शीट में तुम्हें लिखना होता है, पता है ना, आधी शीट के अंदर एक स्टोरी तुम्हें करनी है, अगली आधी शीट में दूसरी भी करनी है, तो आइडियली तुम 10 लाइन से ऊपर साढ़े 4 मिनट में नहीं लिख सकते, कितनी भी तुम्हारी स्पीड हो जाए 10 लाइन से ऊपर लिखोगे मतलब तुम टाइम पास कर रहे हो, एक फिल्म की स्टोरी 10 लाइन के अंदर कंप्लीट होता है। तो ये हो गया टैट, बैट में तुम्हें बता दिया मैंने, कोई भी छोड़ना मत, अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे इसका स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा है तो वहीं पर उस वर्ड को लिख दो, सो देट बाद में थोड़ा सा चोरी छुपे उसको लिख दोगे उसको, है ना, फिर बचा लास्ट में SRT में। तुम जहाँ एक तरफ से शुरू करो, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करो, डोंट जंप ऑन टू अदर क्वेश्चन, इसको बाद में कर लूँगा अगला कर देते हो, ऐसा मत करना, उसी को सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है, लिखते जाओ, भले तुम्हें टाइम लग रहा है लिखते जाओ, तुम इजीली 40 क्वेश्चन तक पहुंच जाओ। मेरे साथ ऐसा भी लड़का रिकमेंड हुआ जिसने 33 क्वेश्चन किए थे, तब भी रिकमेंड हो गया। इट्स अबाउट क्वालिटी ऑफ आंसर्स, कि तुमने क्या लिखा है उसकी क्वालिटी क्या है, नॉट अबाउट द क्वांटिटी कि कितने क्वेश्चन तुमने किए। बच्चे बोलते हैं कि 60 के 60 कर दो, नॉट रिक्वायर्ड यार, मैंने कभी 60 नहीं किए, बट स्टिल आई गॉट रिकमेंडेड। इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ आंसर्स, कि तुम्हारे साथ जब होगा वहाँ पे तो तुम उसको डील कैसे करोगे। लास्ट आता है तुम्हारा सेल्फ डिस्क्रिप्शन। सेल्फ डिस्क्रिप्शन में तुम्हें ये ध्यान रखना है कि अपने बारे में कोई ऐसी नेगेटिव क्वालिटी मत बता देना जो फ्यूचर में एज एन ऑफिसर तुम्हें हिंडर करेगी, जैसे कि शॉर्ट टेम्परामेंट, ठीक है ना, कि अगर तुम्हारा टेम्परामेंट शॉर्ट है, कल को तुम ऑफिसर बनोगे तुम थप्पड़ ऊपर मार दोगे किसी को, छोटी उसके बाद तुम्हें कुछ बोला, तुमने अभी बताता हूँ तुझे, दे दिया थप्पड़ खींचो, वो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की क्वालिटीज़ कभी मत लिखना। अगर तुम्हें लिखना है कि क्वालिटीज़ दैट आई वांट टू इंप्रूव इन लाइफ, तो उसमें तुम लिख दो कि मेरी स्पीकिंग, मैं अपनी स्पीकिंग, अच्छा तुम्हें ये भी लिखना है उसमें कि मैं कर क्या रहा हूँ उसके लिए, सिर्फ ये नहीं लिख देना कि मेरी क्वालिटी है क्या जो मुझे लगता है इंप्रूव करनी है, अरे मैं कर क्या रहा हूँ उसके लिए। अगर मेरी मान लो इंग्लिश स्पीकिंग सही नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने इंग्लिश टीचर्स के साथ बात कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये चीज़ें तुम्हें उसमें लिखनी है कि कमी तो है मुझ में, हर इंसान में कमी होती है, बट उसको डील करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। ये पक्का लिखना है कि तुम्हारे एफर्ट्स क्या है उसको करने में, और वो इंटरव्यूअर तुमसे क्रॉस चेक भी करेगा, अच्छा ये तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अच्छा तुम क्या कर रहे हो, वो पूछेगा तुमसे। और कहीं भी झूठ मत, दो चीज़ें, झूठ ना लिखना है ना बोलना है,
और ब्लफ कभी नहीं करना, अगर सट्टा कभी नहीं मारना, एक ऑफिसर कभी सट्टा नहीं मार सकता। इंटरव्यू में कई बार सट्टे मार देते हैं, मैंने कुछ पूछा तुमसे, तुम्हें चेक करने के लिए तुम्हें सट्टा मार दिया, हाँ सर इसका आंसर ये है, बट मुझे भी पता है कि वो आंसर नहीं है, तुम्हें भी पता है कि नहीं है, बट अगर तुम सट्टा मार रहे हो तो फ्यूचर में कल को तुम्हारे सामने कोई सिचुएशन आएगी, तुम डर के मारे सट्टा मार दोगे उसमें। इफ़ यू डोंट नो द आंसर प्लीज़ टेल पोलाइटली सर आई एम सॉरी आई डोंट नो द आंसर बट आई विल कम बैक टू यू, है ना, मैं पता करके सर आपको दोबारा बताऊंगा। देन यू कैन रिवर्ट द आंसर इन कॉन्फ्रेंस, जिस दिन होगा तुम्हारा ही माइट आस्क यू कॉन्फ्रेंस में कि अच्छा आपने उस दिन कहा था कि आपको उसका आंसर आप बताएंगे, आपने पता किया उसका आंसर, पूछ सकते हो तुमसे, मुझसे पूछा था उसने, तो तुम उसको बता दो कि हाँ सर मैंने उसके बारे में पढ़ा था, उसका आंसर ये है। एटलीस्ट उसको ये लगेगा यार ये लड़का परसिस्टेंट है उस चीज़ को कि हाँ इसको नहीं आता था, इसने एक्सेप्ट किया कि मुझे नहीं आता है, बट उसको पता करने के लिए उसने कोशिश भी की, तो दैट शोज कि भाई तुम्हारे अंदर वो परसिस्टेंस ही है कि हाँ मुझे परसिस्टेंट हो कि हाँ मुझे पढ़ना है, इसके लिए करना है, मुझे सिलेक्शन करवाना है अपना, तो वो एक तुम्हारी क्वालिटी आती है। तो झूठ नहीं बोलना, सट्टा नहीं मारना, ना झूठ बोलना, ना लिखना और ना सट्टा मारना, क्योंकि एज एन ऑफिसर तुम सट्टा नहीं मार सकते, तुम्हारे सट्टे पे बहुतों की जान जा सकती है ना। अगर मैंने कोई कहीं कुछ सट्टा मार दिया, सीनियर ने मेरे को थोड़ा प्रेशराइज किया कि अरे ये करना ही पड़ेगा, हाँ सर कर दूंगा, अगर मुझे पता है कि वो चीज़ नहीं हो सकती तो बताना पड़ेगा सर आई एम सॉरी ये नहीं हो पाएगा, इसको हम दो तीन दिन के बाद देखते हैं ट्राई, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, मैं अपने बंदों को लेकर नहीं जा सकता वहाँ पे, उनकी जान चली जाएगी बचाने के चक्कर में किसी और को, बिकॉज दीज आर वी ऑल आर असेट्स टू दी कंट्री, चाहे मैं हूँ चाहे मेरा जवान है, वी ऑल आर असेट्स टू दी कंट्री इजंट इट। तो मैं किसी मान लो जानवर और की जान बचानी, उसके लिए अपने बंदे की थोड़ा जान खतरे में डाल सकता हूँ, प्रोवाइडेड कि मेरे पास उतने रिसोर्सेज, अगर मेरे पास है रिसोर्सेज तब तो बहुत ही अच्छी बात है, वी विल मतलब डेफिनेटली सेव द लाइफ, बट आई हैव टू बी कैलकुलेटिव कि भाई मेरा अपना रिस्क कैपेबिलिटी क्या है ना, और अगर कोई मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहा है तो मुझे बताना पड़ेगा पोलाइटली कि सर राइट नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल बट डेफिनेटली विद अवेलेबल रिसोर्सेज आई विल बी एबल टू एग्जीक्यूट द टास्क। ये ध्यान रखना, झूठ ना लिखना है, ना बोलना है और ना ही सट्टा मारना है इंटरव्यू में। थैंक यू सर। और